एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मामूली से विवाद के चलते अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अपने ही परिवार की जान का दुश्मन बनने वाले युवक का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह ने पहले अपनी पत्नी रूपा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया और उसके बाद बेटी पर भी हमला किया, फिर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी रात्रि में ही सूचना आई कि एक व्यक्ति है, उसने आत्महत्या कर लिया है और उसके घर में ही उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा जो है वो घायल अवस्था में। पुलिस वहाँ पे पहुँची, पुलिस ने पूरे मामले को देखा और घायल जो महिला और बच्ची थी उसको उन्होंने अस्पताल पहुँचाया है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की भी मृत्यु हो गई है, बच्ची लेकिन स्वस्थ। तो जो अभी प्राथमिक तौर पे हमें पता चल रहा है कि आपसी घरेलू विवाद का मामला प्रतीत होता है। इन दोनों की शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी। उसका लड़की का जो ससुराल है वो विदिशा में है और अभी यहाँ बरही अपने बड़वारा में वो अपने मायके में आई हुई थी करीब 12-15 दिन पहले, और पति पत्नी के बीच विवाद के कारण ऐसी स्थिति बनी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।